जहां एक तरफा टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर हराने का जश्न मना रही थी, वहीं इंग्लैंड की पूर्व दिग्गजों ने टीम इंडिया को चेतावनी दे दी। उन्होंने यहां तक कह डाला, टीम इंडिया ज्यादा जश्न ना मनाए क्योंकि असली टीम जो इंग्लैंड है कुछ सप्ताह बाद भारत दौरे पर आ रही है, भारत को भारत की सरजमी पर हराने के लिए। भारत को इंग्लैंड को हराना होगा उसी की सरजमी पर। इंग्लैंड टीम का मनोबल तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब उन्होंने श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में मात दे दी, वो भी श्रीलंका में, और इस बढ़ी हुई मनोबल के साथ वो भारत आ रही है। इनका ये मनोबल भारत के खिलाफ बहुत ही काम आने वाला है। टीम इंग्लैंड अपने इरादे जाहिर कर चुकी है, किस तरह से वे भारत को हराने की प्लानिंग कर रही है इसको लेकर इंग्लैंड टीम के कप्तान और कोच ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। वहीं श्रीलंका जो अपने घर में ही इंग्लैंड से मात खा चुकी है, उनके पूर्व दिग्गज खिलाड़ी विले जयवर्धने ने टीम इंडिया और इंग्लैंड को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। किस तरह से उन्होंने चेतावनी दी है वो तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही, लेकिन साथ ही में हम ये भी जानने वाले हैं कि इंग्लैंड टीम में आखिर गर्मा गर्मी का माहौल क्यों बना हुआ है, आखिर क्यों कुछ इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इंग्लैंड पर ही भड़के हुए हैं। कुछ पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अपने ही सेलेक्टरों के ऊपर भड़क रहे हैं, मानो ये कहना चाहते हो कि भारत को हराना है पाकिस्तान को नहीं, जो आपने इतनी हल्की टीम चुनी है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं इंडिया के बड़े वाले फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अब ये जानने से पहले कि इंग्लैंड टीम के कप्तान और कोच ने भारत को हराने की क्या प्लानिंग करी है, इससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिर श्रीलंकाई टीम के पूर्व दिग्गज महिला जयवर्धने ने भारत और इंग्लैंड को लेकर क्या चेतावनी दी है। जयवर्धने ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मुझे लगता है कि ये बहुत मजेदार सीरीज होगी, यह इन खिलाड़ियों के लिए अच्छी चुनौती होगी, इसी का नाम क्रिकेट है, आपको विदेशों में जाकर टेस्ट सीरीज जीतनी होती है। जयवर्धने का हालांकि मानना ये है कि इंग्लैंड भारतीय सीरीज के लिए अच्छी तरह से तैयार है, खासकर इस सीरीज में उसे ऑलराउंडर बेन स्टोक और तेज गेंदबाज जॉफ्रा आर्चर की भी सेवाएं मिलेंगी। स्टोक्स और आर्चर दोनों को श्रीलंका सीरीज में आराम दिया गया था। जयवर्धने ने कहा, बेन स्टोक की वापसी इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा क्योंकि वो अनुभवी और उनके टॉप ऑर्डर में बाएं हाथ का एक और बल्लेबाज आ जाएगा जो अहम होगा। उन्होंने कहा, जॉफ्रा आर्चर अपनी तेज गेंदबाजी से खासकर धीमे विकेट पर कुछ खास कर सकते हैं, कुल मिलाकर भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार है भारत को हराने के लिए। इंग्लैंड और श्रीलंका के सीरीज के दौरान इंग्लिश स्पिनरों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया है। डॉम बेज और जैक लीच ने मिलकर इस सीरीज के दौरान कुल 22 विकेट लिए हैं। बेज के खाते में 12 और लीच के खाते में 10 विकेट गए हैं। और महिला जयवर्धने भी इन दोनों स्पिनरों को लेकर यही कह रहे हैं कि इन दो स्पिनरों को यहां से काफी अनुभव हासिल हुआ होगा, लेकिन भारत में उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। भारतीय टीम अगले महीने इंग्लैंड क्रिकेट टीम की मेजबानी करने जा रही है। इस बीच इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर सीरीज में मिली जीत पर भारत की तारीफ करी है। सिल्वरवुड का कहना है कि भारत को हराना कठिन होगा और आगामी टेस्ट सीरीज में ऐसा करने के लिए इंग्लैंड को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। सिल्वरवुड ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज से ये तो पता चल गया कि भारत को हराना आसान नहीं है, हमारे सामने ये बड़ी चुनौती है। कोच ने कहा कि मुझे लगता है कि हम उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन मुकाबले काफी करीबी होंगे। हमें पता है कि भारतीय टीम शानदार फॉर्म में भी है, खासकर अपनी धरती पर उसे हराना काफी कठिन है, ये रोमांचक चुनौती होगी, हम भी अच्छे फॉर्म में हैं। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद बताया कि भारत को उसकी धरती पर हराने के लिए इंग्लिश टीम को क्या क्या करना होगा। भारतीय टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था। रूट ने कहा कि हमें भले ही श्रीलंका को 2-0 से सीरीज जीत ली हो, लेकिन उन्हें भारत को उसकी सरजमी पर हराने के लिए अपने खेल को शिखर पर ले जाना होगा। भारत को अपनी सरजमी पर दुनिया की बेस्ट टीम करार दिया है। रूट ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खत्म होने के बाद कहा, हमें उस टीम के खिलाफ 4 बहुत अहम मैच खेलने हैं जो यकीनन अपनी सरजमी पर दुनिया की बेस्ट टीम है। उन्होंने कहा, हमें वहाँ जीत हासिल करने के लिए अपने खेल को शिखर पर लाना होगा क्योंकि चुनौती देने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट मैच जॉनी बेस्टो के बिना खेलेगी, जबकि जॉस बटलर टीम के रोटेशन पॉलिसी के अंतर्गत पहले मैच के बाद स्वदेश लौट आएंगे। लेकिन रूट ने कहा, इंग्लैंड को बेन स्टोक और जॉफ्रा आर्चर की वापसी से काफी फायदा होगा, जिन्हें श्रीलंका सीरीज में आराम दिया गया था। कुछ पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अपने ही सेलेक्टरों के ऊपर भड़क रहे हैं, मानो ये कहना चाहते हो कि भारत को हराना है पाकिस्तान को नहीं, जो आपने इतनी हल्की टीम चुनी है,
आइए अब जानते हैं कि टीम इंग्लैंड के सिलेक्टर के ऊपर क्यों भड़के कुछ पूर्व दिग्गज खिलाड़ी। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भारत दौरे पर होने वाले 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड टीम की आलोचना करी है। इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा, इंग्लैंड की टीम अगर अपनी बेस्ट टीम 11 के साथ नहीं खेलती है तो ये फैंस के साथ साथ मेजबान भारतीय क्रिकेट टीम का भी निरादर होगा। इंग्लैंड ने भारत के साथ पहले 2 टेस्ट मैच के लिए जॉनी बेस्टो, मार्क वुड और सैम कुरैन को आराम दिया है, जबकि बेन स्टॉक, जोफ्रा आर्चर और रॉरी बर्न्स को टीम में शामिल किया है। पीटरसन ने ट्विटर पर लिखा, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए बेस्ट टीम चुनी है या नहीं। भारत में जीत दर्ज करना उतनी ही खुशी देता है जितना ऑस्ट्रेलिया में जीत करना। पीटरसन ने ट्विटर पर लिखा, इंग्लैंड अगर अपनी बेस्ट टीम के साथ नहीं खेलता है तो ये इंग्लैंड के फैंस, टीम इंडिया और बीसीसीआई के लिए असम्मानजनक होगा। जॉनी बेस्टो को खेलना ही होगा, ब्राइड और एंडरसन को खेलना ही होगा। इस टीम में चयनकर्ताओं ने विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो को आराम दिया है। नासिर हुसैन और माइकल वॉन का मानना है कि चयनकर्ताओं ने भारत के खिलाफ 5 फरवरी से चेन्नई में शुरू होने वाली 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले 2 टेस्ट के लिए जॉनी बेस्टो को विश्राम देने का निर्णय गलती कर दी है। ने इंग्लैंड के चयनकर्ताओं पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है तो वॉन के मुताबिक ऐसी टीम देखकर सबका दिमाग खराब होगा। कहीं न कहीं इंग्लैंड टीम के चयनकर्ताओं पर पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भड़के हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कुछ खिलाड़ियों को जो रेस्ट दिया गया वो भारतीय टीम के विपरीत अहम फैक्टर साबित हो सकते थे। फिलहाल इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है।